हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। राजनीति के इस पेपर में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अध्याय दो है, दो ध्रुवीयता का अंत। यहाँ पर कुछ स्मरणीय बिंदु आपको दे रखे हैं, इन स्मरणीय बिंदु को भी आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है। सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, जिनके लिए प्रत्येक के लिए एक अंक है। तो पहला क्वेश्चन है, थॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सा, 1990 में। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर सा। सेकंड वाला है, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत से थे। तो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत जो थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है आपको पता है क्या? तो इसको बोलते हैं दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, समाजवादी गुट को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अमेरिका पर कब हमला हुआ था? है ना, आतंकी हमला कब हुआ था अमेरिका पे? तो आपको पता होगा ये हुआ था, आपका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका पर हमला हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? अंतिम राष्ट्रपति आपको बताना है। तो इसका भी जो है आपका मिखाइल गोर्बाचेव, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा था? पांचवा था, है ना? ओके, थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, पांचवा डबल से मिस हो गया है। ठीक है, तो आप आंसर देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपको सबको पता होगा कि 1917 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1917 में। सातवां क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति भी आपको कहाँ हुई थी ये बताना है। तो बोल्शेविक क्रांति जो है उसका आंसर है आपका इंग्लैंड। क्या जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, उसका आठवां क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता का उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका परमाणु हथियारों की दौड़। ठीक है, हिस्सा वाला इसका राइट आंसर है। बच्चों सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स के साथ इनको पढ़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? चुने हुए राष्ट्रपति आपको बताने हैं इसमें, तो है ना, सबसे पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, बोरियत येल्त्सिन और लियोनिड ब्रेजनेव। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें एक भी आंसर सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका दावाल आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बाल्टिक गणराज्य है कौन है? तो बाल्टिक गणराज्य आपको बताना है, तो इसका जाएगा लतविया। लतविया जो है बाल्टिक गणराज्य। अब आ जाते हैं एक अंक में आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भी हम बारी बारी से आंसर देखते जाएंगे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई है, तो आप इसको समझते जाइएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा रिक्त स्थानों में सबसे व्लादिमीर लेनिन इसमें जाएगा। कौन थे संस्थापक इसके? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाटो का पूरा नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। थर्ड वाला है, जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को सन में तोड़ा गया, तो 1989 में इसको तोड़ा गया था, 1989 में इसको तोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसमें जोसेफ स्टालिन का नाम आता है, जोसेफ स्टालिन का नाम यहाँ पे आता है। पांचवा आपका, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है,
तो इसमें आ जाएगा आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी जो होती है, इस थेरेपी का नाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले आघात पहुंचाएंगे, शॉक लगाएंगे, फिर थेरेपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सोवियत संसद का नाम है, सोवियत संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। क्या है उसका नाम? ड्यूमा इसका नाम है। आठवां क्वेश्चन है, सॉरी सातवां देख लेते पहले, रूसी मुद्रा का नाम बताइए। रूसी मुद्रा का नाम आपको बताना है तो रूबल। रूसी में कौन सी मुद्रा चलते हैं, कौन से पैसे चलते हैं, तो रूबल चलते हैं। कौन चलते हैं वहाँ पे? रूबल, ठीक है। और ये आठवां क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है ये, तो इसका आंसर वो जाएगा, क्या जाएगा? ड्यूमा जाएगा, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, आपकी सही जोड़ी दे रखी है, सही जोड़ी ए और बी दे रखी है, इसको मिलाना है आपको। तो यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है छः जोड़ियाँ यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहला दे रखा आपको शॉक थेरेपी का परिणाम। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या होता है, तो आप इसको मिलाइए, इसका परिणाम है कि आपको 12 देश इसके परिणाम है। क्या है? 12 देश। सेकेंड है वारसा। वारसा को आप किससे मिलाएंगे, तो वारसा हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का तहस नहस, ठीक है। अर्थव्यवस्था का क्या हो जाएगा? तहस नहस, ठीक है। वारसा को मिलाएंगे अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला बाल्टिक गणराज्य। तो बाल्टिक गणराज्य में आप बताएंगे यहाँ पे सैन्य समझौता, ठीक है। फिर यूएसएसआर को किससे मिलाओगे, तो बच्चों ये आपको पता होगा किसको हमको मिलाना है, लिथुआनिया से। किससे मिलाना है? लिथुआनिया से। उसका नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को किससे मिलाओगे आप, तो यूरोपीय संघ को जो है आपके पास कितने बचे हुए हैं, अच्छा ऊपर वाला रह गया आपका, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पे जोड़ी हमारी गलत हो गई है, क्योंकि पहला वाला आपका रह चुका है इसलिए, ठीक है। वापस से मैं रिपीट करता था उसको, ठीक है, गलती को सुधारते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को अपन मिलाएंगे 12 देश से, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया था। शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी को जो हमें अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, है ना। और वारसा, वारसा को हम किससे मिलाएंगे, तो वारसा को जो है हम मिलाएंगे यहाँ पे सैन्य समझौता, है ना। अभी अपन ने पहले पढ़ा था सैन्य समझौता था वारसा। बाल्टिक गणराज्य क्या हो जाएगा, तो बाल्टिक गणराज्य जो है वो आपका हो जाएगा लिथुआनिया, ठीक है। और यूएसएसआर इसका फुल, ये फुल फॉर्म है, मतलब आपको बताना है यहाँ पे, तो इसको मिलाएंगे अपन आवाले से। किससे मिलाएंगे? आवाले से। और यूरोपीय संघ जो बचा हुआ उसको मिलाएंगे पूर्वी यूरोप के देश से, ठीक है बच्चों। अब बिल्कुल आपकी जोड़ी जो है 100% करेक्ट है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे किसी तरीके से, देखिए बच्चों अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपके यहाँ से मान लीजिए एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं, इस यूनिट या इस चैप्टर से आपका नंबर नहीं कटेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपने सारे कवर कर लिए तो आपके नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और जोड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है सोवियत संघ, तो सोवियत संघ को जो है आप मिला दीजिए यहाँ पर 15 गणराज्य से। सोवियत संघ में कितने गणराज्य? 15। बर्लिन की दीवार बनी, तो बर्लिन की दीवार बनी में सेकेंड वाले को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, बर्लिन की दीवार में आएगा आपका 1961। थोड़ा सा आप सन जरूर चेक कर लीजिएगा, इसका सन आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ग्लासनोसत जो है थर्ड वाला आपका, तो थर्ड वाले को आप मिला दीजिए खुलेपन की नीति। ग्लासनोसत क्या कहलाता है? खुलेपन की नीति कहलाती है। उसके बाद जो है आपका है ना, अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी, ये फिर से आ गया आपका। तो शॉक थेरेपी को आप किससे मिलाना चाहोगे, ये तीन बार आ चुका है अभी तक जो ऑब्जेक्टिव पढ़े, कितनी बार आ गया? तीन बार। तो इसको अब यहाँ पे किससे मिला सकते हैं हम, तो यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा इसको आर्थिक मॉडल से, ठीक है। फिर ताशकंद की बात करते हैं, तो ताशकंद को आप मिला दीजिए उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से। और डॉक्टर राधाकृष्णन ये आएगा आपका राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट जो है एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं, है ना, एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे जो है एक शब्द के आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमारे पास क्यों अगला चैप्टर पढ़ना है, इसलिए हम इसके आंसर नहीं देंगे,
हम चलते हैं सत्य असत्य पे, ठीक है। तो सत्य असत्य पे सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। तो सत्य क्या सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा, समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, ये भी सत्य है। समाजवादी खेमे के प्रथम कहे जाते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवाद प्रेरणा के स्रोत रहे, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। चौथा है, जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये जरूर हम यहाँ पे कहेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने बच्चों में वापस से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने फिर से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। पहला सत्य है आपका, लेकिन दूसरा असत्य है। दूसरा क्या है यहाँ पे, असत्य है, ठीक है। दूसरा सत्य, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं मुझे। फिर तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, और पांचवा भी क्या है यहाँ पे, सत्य है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा गलत हो गया था सेकंड वाला, ठीक है। तो गलती अगर हो जाती है तो हमको सुधार भी लेना चाहिए उसको। पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा भी आपका क्या है, सत्य। महाशक्ति के रूप में कौन उभरा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं, सोवियत राजनीति प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी क्या, ये आपको बताना है कि सत्य या सत्य। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। फिर सातवें पे हम आ जाते हैं, सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया, क्या ये सत्य बात है। तो बिल्कुल सत्य बात है, कई प्रांतों में टूट गया था। आठवां, सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की, आपको बताना है, तो गलत है, ठीक है। भारत की मदद किसी ने भी नहीं की, भारत हमेशा अकेला ही खड़ा रहा, हमेशा अकेला ही लड़ता रहा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, तो ये असत्य है, ठीक है। और 25 लास्ट वाला है आपका, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया, तो बिल्कुल राइट है, ये इसका आखिरी दिन था, इसके बाद सोवियत संघ जो है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वैसे एक आध क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। जैसे ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, तो इसको वारसा पैक्ट अपन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी इतने सारे दो दो नंबर क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा, पर आंसर आपको ही लिखने हैं इनके, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है वो है आपका समकालीन राजनीति में अमरीकी वर्चस्व, ठीक है। समकालीन, अच्छा इसको तो रिड्यूस कर दिया गया है, हाँ ये आ गया आपका अध्याय चार, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो है वो हम पढ़ेंगे और इनके आंसर्स आपको बताएंगे। थोड़ा सा थ्योरी दे रखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इनको। हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव पे ही रहने वाला है इस वीडियो का, ठीक है। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखिए, इसमें से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा इस वाले चैप्टर में से। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि क्या नाम है। पता है कि आपको, अगर पता है तो बता दीजिए यूरोपीय मुद्रा का क्या नाम है, तो यहाँ पे यूरो, क्या आएगा आंसर, यूरो। दूसरा, चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई, तो चीन जो है उसने जो खुले द्वार की नीति उसने अपनाई थी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला सन वाला क्वेश्चन है कि यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ यूनियन की स्थापना आपको बतानी है, तो इसमें आ जाएगा आपका 1992, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, आसियान संघ की स्थापना कब हुई, तो आसियान संघ जो है, आसियान संघ उसकी स्थापना हुई 1967 में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका पाँचवा जो है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो पांचों का आंसर हो जाएगा जकार्ता, है ना, आ वाले आंसर चल रहे हैं। छठा है, डोकलाम प्रकरण 2017 में किन दो देशों के मध्य उत्पन्न हो गया, तो डोकलाम प्रकरण 2017 में किन दो देशों के मध्य उत्पन्न हो गया, आपको जानकारी है क्या इसकी, अगर नहीं है तो आप याद रखिए, भारत और चीन, भारत और चीन इसमें आएगा। चार ऑप्शन में भारत दे रखा है, लेकिन अलग अलग देश दे रखे हैं, लेकिन आपको बताना है भारत और चीन। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या आपको बतानी है,
तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27, द वाला आंसर हो जाएगा 27। आठवां है बाजार स्टालिन है क्या चीज़ है, बाजार स्टालिन क्या चीज़ है ये आपको बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आपकी बाजार स्टालिन है। नेक्स्ट जो हम है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो ऑब्जेक्टिव का आपका लास्ट रहेगा कि 31 जनवरी 2020 में किस सदस्य ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी, स्वयं उस देश ने जो है यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी, तो उसका आंसर रहेगा ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जो है अपनी सदस्यता छोड़ दी। अब आपका रिक्त स्थान आ जाता है, रिक्त स्थान में हम देखते हैं खुले द्वार की नीति ने अपनाई, तो ये वापस से रिपीट हो गया आपका, आंसर हो जाएगा चीन ने अपनाई खुले द्वार की नीति, किसने अपनाई, चीन ने। दूसरा 1967 में आसियान की स्थापना खालिस्तान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी, उस घोषणा पत्र का नाम बताना आपको, तो बैंकॉक, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर हुई थी। थर्ड वाला है वियतनाम आसियान का सदस्य खालिस्तान सन में बना, किस सन में ये बना, तो ये 1995 जो है इससे जुड़ा था, वियतनाम जो है आसियान में जुड़ा था 1995 में। चौथा है भारत आसियान का सदस्य खालिस्तान बना, अब भारत कब बना, तो अगले ही साल भारत बन गया 1996 में, ठीक है। पांचवा है आपका यूरोपीय यूनियन की स्थापना खालिस्तान किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई, तो इसको बोलेंगे मैस्ट्रिच संधि। छठा है पूर्व की ओर चलो की नीति किस देश ने अपनाई, तो भारत ने अपनाई थी, भारत जो है पहले पश्चिम की ओर जा रहा था लेकिन उसने खुद बताया कि अब आपको पूर्व की तरफ चलना है और हम भी चलेंगे और आप भी चलो, सब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। सातवां है आपका मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, सातवें का आंसर आपको बताना है, तो मार्शल का उद्देश्य है आर्थिक सहायता करना, मार्शल योजना मतलब है आर्थिक सहायता करना। नवा है आपका पंचशील के सिद्धांत खालिस्तान के मध्य हुए थे, किसके मध्य हुए थे, तो पंचशील के जो सिद्धांत थे, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे, सातवें का क्वेश्चन तो क्या, सातवें का हो गया मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर तो था आर्थिक सहायता करना। और आठवां जो है मार्शल योजना की स्थापना कब हुई ये बताना है, सन बताना है इसमें ना, तो मार्शल योजना की जो स्थापना है वो होती है 1948 में इसकी स्थापना होती है। नवाए पंचशील के सिद्धांत खालिस्तान के मध्य हुए थे, तो पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो भारत और चीन, इंडिया एंड चाइना के बीच हुई थी। लास्ट है चाओ एंड लाओ, ठीक है। सॉरी, देखिए ये चाओ एंड लाओ आपको नाम वैसे ही पता चल रहा होगा कि चाइनीज नाम है ये, तो ये किसके प्रधानमंत्री थे, तो आप बिना सोचे इसमें लगा दीजिए चीन के प्रधानमंत्री थे, चाओ एंड लाओ, ठीक है, जहां हमारे चाय का नाम चाओ कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से अब आपके सामने आती है जोड़ी, और जो जोड़ी है ये अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ी जोड़ी यहाँ पर दे रखी है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ना, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आपके सामने छोटा कर देता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आ पाएगी के अब आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपके सामने जोड़ी है, जोड़ी आपको मिलानी है। पहला है मैकमोहन रेखा को आप किससे मिलाओगे, तो आपको पता है मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में खींची गई थी, ठीक है, तो एक भारत और चीन है और एक भारत और पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे, ठीक है, भले लास्ट में लगा सकते हैं इसको। दूसरा देखिए आप, चीन का भारत पर आक्रमण, तो ये 1962 लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, 1962। फिर थर्ड वाला है ब्रुनेई कब सदस्य बना था, तो ब्रुनेई जो है सदस्य बना था वो बना था आपका 1984 में, यहाँ पे सन पूछा गया तो 1984 हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा वाला है वियतनाम, तो वियतनाम के लिए आप क्या लगाना पसंद करेंगे, तो वियतनाम के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर 1995, क्योंकि वियतनाम ने जो है सदस्यता ग्रहण करी थी 1995 में, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट उन्होंने कर दिया, ठीक है। पाँचवें में आप क्या लगाएंगे, तो मैं थोड़ा सा अब इसको बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है, अब दिखेगा नहीं है, थोड़ी समस्या है हमारे पास, है ना। चलो
चलो आपको वैसे समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके आप मिलाते जाना। इसके बाद आसियान का मुख्यालय, ये आपको पांचवा है, पांचवा आप किससे लगाओगे, तो पांचवा आप लगा दोगे, मैंने आपको बता दिया था, इसको लगा दिया आप जकार्ता से, ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। छठा है आपका यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय बताना आपको, तो आप इसको बताएंगे बेल्जियम, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस में आप आंसर लगा देंगे, किसे लगा देंगे क्रॉस में, ठीक है, किसे लगा देंगे क्रॉस में, तो ये लगा दिया आपने बेल्जियम से और ये लगा दिया आपने जकार्ता से, ठीक है। अच्छा ऐसा तो हम इसमें भी कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, है ना, ये यहाँ पे जो है एक दो तो लगा ही सकते हो आप, जैसे चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में आपने लगा दिया, और ये सदस्य कब बना इसको नीचे लेके जाते हैं, तो ये सदस्य बना था 1984 में, कहाँ बना था, अच्छा वो वहीं पे रह गई, ठीक है 1984 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, पीडब्ल्यूजी है, पीडब्ल्यूजी क्या है, तो ये है आपका पीडब्ल्यूजी है, सॉरी पीडब्ल्यूजी आपका ब्यू प्लस बार, क्या है ब्यू प्लस बार है, क्या है ब्यू प्लस बार। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आठ वाला, माओवादी, माओवादी क्या होते हैं, तो माओवादी को आप लगाओगे बा से नेपाल, किससे लगाओगे नेपाल से, सिंधु नदी जल समझौता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नवा वाला क्वेश्चन है इसको हम मिला देते हैं भारत और पाक, सिंधु नदी जल समझौता हुआ भारत और पाक के पास। और लास्ट है आपका आसियान की स्थापना, तो आपका एक सन बच रहा है, ठीक है, तो उसको लगा दिया आप माँ से, किससे लगा दो माँ। अब मैंने आपसे बोला था एक आपका बचा हुआ है, तो बचा हुआ कहाँ पे यूज़ करोगे आप, तो बचा हुआ आप यहाँ पे यूज़ कीजिए मैकमोहन रेखा, तो इसको लगाइए भारत और चीन के बीच, ठीक है, और बाकी जो आपका वियतनाम है उसको आप ऊपर ले जाएंगे, सही वियतनाम को आप लगा देंगे 1995 से। तो बच्चों इस तरीके से आपकी जो जोड़ी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको इसमें और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, जोड़ी एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, मैंने पूरी जोड़ी जो आपको कंप्लीट करके बता दी है। अब हम आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में, ठीक है, ओके एक शब्द एक वाक्य पे हम आंसर देने पे आ जाते हैं, चलो क्लियर है। पहला है जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संबंधशील प्रकरण पैदा हो गया था जिसका नाम बताना है आपको, ठीक है, तो बता दे क्या नाम है यहाँ पे, चलो इस वाले में हम एक वाक्य में उत्तर भी करवा देते हैं आपको, तो पहला है इसका नाम है उत्तर डोकलाम प्रकरण, क्या नाम है उत्तर डोकलाम प्रकरण। सेकंड है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, ये अभी आपकी जोड़ी में भी आया था, तो इसका जकार्ता में है, ठीक है, कहाँ है नेशिया जकार्ता इंडो, ठीक है नेशिया जकार्ता इंडोनेशिया जकार्ता, जकार्ता के मतलब इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान सदस्य देशों की संख्या है, तो आसियान देशों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें हम रुकेंगे, इसका थोड़ा आंसर मेरे को डाउटफुल है तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा आपको। चौथा देखिए यूरो किस संगठन की मुद्रा है, तो यूरो एक संगठन की है यूरोपीय संघ की, ठीक है। पांचवा है आसियान विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आर्थिक एकीकरण और व्यापारिक इसका उद्देश्य, आर्थिक एकीकरण व्यापारिक इसका उद्देश्य। छठा है मेस्ट्रिच संधि से किस संगठन की स्थापना हुई, तो मेस्ट्रिच संगठन से किसकी स्थापना हुई है, तो यूरोपीय यूनियन की, किसकी हुई है यूरोपीय यूनियन की, ठीक है। सातवा है आपका बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो आप बताएंगे 1962 में हुए, कब हुए 1962 पे। फिर आठवा है आपका यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन है, ठीक है प्रधान अंग कौन कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है, तो आयोग संसद परिषद और न्यायालय, आयोग संसद परिषद और न्यायालय जो हैं यूरोपीय यूनियन के अंग है। अगला है भारत ने सॉरी चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1962 में किया था, कब किया था 1962 में। आगे और ऑब्जेक्टिव हमारे पास एक वाक्य में, भारत और चीन के मध्य किस रेखा का मान्यता प्रदान की गई, तो ये वापस से रिपीट हुआ मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा मैकमोहन। ग्यारहवा यूरोपीय यूनियन किसे कहते हैं, यूरोपीय यूनियन किसे कहते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो एक वाक्य के आंसर ना करते हुए हम आप इनके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हम सत्य सत्य पर जाते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिएगा
सत्य सत्य का चयन हम जब करेंगे तो इसमें पहला है आपका भारत आसियान का सदस्य 1996 बना। सत्य क्या सत्य, तो बिल्कुल सत्य है, आपने पढ़ा था अभी, रिक्त स्थान में पढ़ा था। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा है, तिब्बती धर्म गुरु का नाम क्या है, दलाई लामा है क्या, तो आपको सत्य सत्य बताना, तो बिल्कुल सत्य है, क्या है ये, सत्य है, ठीक है। फिर यूरोपीय संघ के सदस्य, संसद में 785 सदस्य, तो असत्य है ना, असत्य। चौथा, रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो ये भी असत्य है, क्योंकि इसको 2-3 बार पढ़ चुके आप। चाइना ने अपनाई थी, किसने अपनाई थी, चाइना ने। पांचवा है, मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई, मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई क्या, तो आपको बताना है इसका सत्य क्या सत्य, तो ये भी क्या है, असत्य है, पांचवा भी। फिर छठा है, पंचशील के सिद्धांत रूस और पाक के मध्य हुए, तो ये भी असत्य है, क्योंकि इसमें एक नाम किसका आने वाला है, भारत का आने वाला है, ठीक है। फिर सातवां, पूरब की ओर चलो की नीति भारत ने अपनाई, तो बिल्कुल सत्य है बिल्कुल, है ना। फिर आठवां, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, तो सत्य है, अभी पढ़ा था। नाइन्थ वाला क्या है, नाइन्थ है आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रारंभिक सदस्य 10 थे क्या, तो बिल्कुल सत्य है ये। और लास्ट है, आसियान संगठन में 10 राष्ट्र सम्मिलित, तो बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी ये है कि हम कोशिश करेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता तो आगे के भी देंगे। इन 2 चैप्टरों में, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, हमने सारे रिक्त स्थान, सही गलत, जोड़ी, है ना, सब कवर कर लिए। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इनमें से अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो सारे ही ऑब्जेक्टिव आप बना दोगे, अगर इसको पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो मिलते बच्चों वापस से, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो आपको मॉर्निंग में फिर से आगे का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।